रेसिडेंशियल स्टेटस की आज फोर्थ क्लास है, लिखिए आप सभी। क्लास नंबर फोर, रेसिडेंशियल स्टेटस। और आज हम क्या पढ़ाएंगे आपको, इसका लास्ट टॉपिक है स्कोप ऑफ टोटल इनकम। स्कोप ऑफ टोटल इनकम अकॉर्डिंग टू रेसिडेंशियल स्टेटस। अकॉर्डिंग टू रेसिडेंशियल स्टेटस, इसको आप शॉर्ट में कह सकते हैं टैक्स इंसिडेंस भी इस टॉपिक को बोलते हैं। इसमें बहुत बातें हैं लेकिन मैं आपको काफ़ी ब्रीफली ये समझा रहा हूँ। और वो लिखिए आप, सबसे पहला पॉइंट लिखिए, यहाँ पे लिखते जाइए आर ओ आर एन ओ आर एन एन आर। और यहाँ पहला पॉइंट लिखिए पहला पॉइंट में लिखिए इनकम रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। इस केस में ठीक है ना, इसमें और कुछ लिख लीजिए, वेदर अर्न इन इंडिया और एल्सवर। और एल्सवेयर इसका मतलब पहले समझिए, जब भी आप कोई इनकम कमाते हैं तो दो स्टेप्स में काम होता है। पहले तो इनकम ड्यू होता है, उसके बाद वो रिसीव होता है। हो गए दो स्टेप्स, बात समझ गए। आपका आप मान लो कहीं नौकरी करते हैं, आपने पूरे महीना नौकरी कर ली, एक महीना टाइम पूरा हो चुका है, एक महीने के बाद आपको क्या होना चाहिए, सैलरी मिलना चाहिए। अभी तक सैलरी मिला नहीं है तो आप अभी कौन से सिचुएशन में हैं कि सैलरी बिकम्स ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। और जब आपको सैलरी मिल गया तब आप कौन से सिचुएशन में हैं कि सैलरी बिकम्स ड्यू एंड रिसीव्ड। तो पहले रिसीव होता है, पहले ड्यू होता है, ड्यू होता है। लेकिन अगर ड्यू से पहले आप रिसीव कर लोगे तो वो फिर एडवांस कहलाएगा, फिर वो क्या कहलाएगा, एडवांस। अभी मैं एडवांस की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं इनकम अर्न्ड एंड रिसीव्ड की बात कर रहा हूँ, बात समझ गए। तो जब आप इनकम रिसीव करते हैं तो फिर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि ये अर्न कहाँ हुआ था, इंडिया में या इंडिया से बाहर। कहीं ना कहीं तो अर्न हुआ होगा। अगर आपने नौकरी आपने काम इंडिया में किया होगा तो इंडिया में अर्न हुआ होगा, अगर आपने इंडिया से बाहर काम किया होगा तो कहाँ अर्न हुआ होगा, इंडिया से बाहर। तो ये पहला पॉइंट कहता है कि आपने कहाँ पे अर्न किया, कहाँ पे इनकम ड्यू हुआ, इट डजेंट मैटर। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या है कि इनकम रिसीव कहाँ हुआ है। अगर वो इनकम इंडिया में रिसीव हुआ है तो फिर वो ड्यू कहाँ हुआ है, इट डजेंट मैटर, इंडिया में और एल्सवेयर, उस पर सबको टैक्स देना पड़ेगा। आर ओ आर भी देगा, एन ओ आर भी देगा और एन आर भी देगा, सबकी ये इनकम टैक्सेबल होगी। ये इनकम आर ओ आर
NOR, NR सबके हैंड में क्या होगी है? टैक्सेबल होगी। मान गए यहाँ तक? अब आप कहोगे सर ROR तो समझ में आता है कि वो इंडिया में ही रहता है, इंडिया के रिसोर्सेज ही यूटिलाइज करता है, उनका टैक्स देना बनता है। NOR कभी समझ में आता है कि चलो कभी कभार तो इंडिया में आता है, लेकिन NR तो कभी आया नहीं, बहुत कम आया, तो वो क्यों टैक्स दे रहा है? भाई अगर तुम नहीं आए, तुम्हारा इंडिया में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर तुम ये इनकम इंडिया में रिसीव क्यों किए? तुम बाहर रिसीव कर सकते थे। अगर तुमने रिसीव यहाँ पे किया है तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। यहाँ ये भी समझना जरूरी है कि रिसीव का मतलब क्या होता है। रिसीव का मतलब होता है फर्स्ट टाइम रिसीव। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि आप में से कोई इंसान अगर यूएसए चला जाए और वहाँ वो पैसा कमाए और अपनी कंपनी से कहे कि मुझे पैसा यहाँ मत दो, बल्कि पैसा कहाँ दो? इंडिया में दो। तो वो उसने अर्न कहाँ किया? यूएसए में। लेकिन रिसीव कहाँ किया? इंडिया में किया ना। तो उस केस में उसको टैक्स देना पड़ेगा, भले ही वो क्या है? NR है, नॉन रेसिडेंट है। आप यहाँ रहते नहीं, आप कहाँ रहते हैं? यूएसए में। फिर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपने यूएसए में ही इनकम कमाया, वही इनकम रिसीव भी किया और बाद में उस इनकम को इंडिया भेज दिया अपने किसी रिलेटिव को, और रिलेटिव आपका इनकम इंडिया में रिसीव कर रहा है, तो उसको हम रिसीव नहीं कह सकते हैं, उसको हम रेमिटेंस कहेंगे। क्या कहेंगे? रेमिटेंस। रिसीव क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि अभी मैंने कहा है कि रिसीव का मतलब क्या होता है? फर्स्ट टाइम रिसीव। जब पैसा आपके कस्टडी में, आपके हैंड में फर्स्ट टाइम आया, ऑनरशिप उसकी पहली बार चेंज हुई और आप उसके ऑनर हो गए, उस फर्स्ट टाइम रिसीव को हम रिसीव बोलते हैं। और वो फर्स्ट टाइम रिसीव जहाँ हुआ वो प्लेस देखा जाएगा, रेमिटेंस वाली प्लेस नहीं देखी जाएगी। मान गए? तो इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, वेदर अर्न इन इंडिया और एल्सवेयर। यहाँ पे एक वर्ड और भी लिखा हुआ है, डीम टू बी रिसीव्ड। इसका मतलब समझिए क्या होता है। कभी कभार क्या होता है कि एक्चुअली आप इनकम रिसीव करते हैं अपने हाथ से या अपने अकाउंट में जमा करवाते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि इनकम आपको अभी मिला नहीं है, आपके किसी लॉन्ग टर्म अकाउंट में जमा हो गया। जैसे मान लो कि आपके प्रोविडेंट फंड में जमा हो गया, तो आप इनकम टैक्स को क्या कह सकते हो कि मुझे तो पैसा मिला नहीं? तो इनकम टैक्स आपसे क्या कहेगी? तो क्या हुआ पैसे का फिर? तो पैसा तो प्रोविडेंट फंड में जमा हो गया, तो प्रोविडेंट फंड का पैसा किसको मिलेगा? मुझे ही मिलेगा। लेकिन कब मिलेगा? कई साल बाद मिलेगा, तो अभी क्यों टैक्स लोगे? भाई आपने प्रोविडेंट फंड में सेविंग्स की है, कमाई तो आज आपकी हुई है, तो वो पैसा भी क्या माना जाएगा? डीम टू बी रिसीव्ड माना जाएगा। भले ही आपने आज रिसीव ना किया हो, रिसीव आप बाद में करेंगे, लेकिन क्या मानी जाएगी उसको? डीम टू बी रिसीव। कभी कभार ऐसा होता है कि एम्प्लॉयर आपको सैलरी देता नहीं है, बल्कि सैलरी क्या करता हो? सैलरी का कुछ हिस्सा आपके प्रोविडेंट फंड में जमा कर देता है। तो जो उन्होंने सैलरी का पार्ट प्रोविडेंट फंड में जमा किया है, वो सैलरी तो आपको मिला नहीं, तो क्या उसको सैलरी नहीं मानोगे? ऑफकोर्स सैलरी मानना पड़ेगा, और वो क्या कहलाएगा? डीम टू बी रिसीव्ड कहलाएगा। एक छोटा एग्जाम्पल और देता हूँ। मान लीजिए आपका एम्प्लॉयर कहता है कि मैं 10,000 रुपये आपको कैश देता हूँ और 10,000 रुपये आपके प्रोविडेंट फंड में जमा कर देता हूँ। 10,000 रुपये आपको कैश दिया और 10,000 कहाँ जमा कर दिया? प्रोविडेंट फंड में। जो 10,000 रुपये कैश आपको हाथ में मिला है ना, वो क्या कहलाएगा? रिसीव्ड। और जो 10,000 प्रोविडेंट फंड में जमा हुआ है ना, वो क्या कहलाएगा? डीम टू बी रिसीव्ड। अल्टीमेटली डीम टू बी रिसीव्ड और रिसीव्ड दोनों सेम चीज़ है, और आपको दोनों पे टैक्स देने पड़ेंगे, वो आपके लिए टैक्सेबल इनकम हो जाएगा। देख ले यहाँ पे दूसरा पॉइंट पाइए। सेकेंड पॉइंट इसका है, इनकम विच एक्रू और अराइज इनकम विच एक्रू और अराइज और deemed to be accrue or arise in India during the previous year
whether received in India. Or elsewhere. देखो, अब मान लो कि आप रहते हैं यूएसए में, एग्जाम्पल समझिए, और आपका घर कहाँ पे है? दिल्ली में. ऑफ कोर्स दिल्ली वाला घर आपका खाली नहीं पड़ा हुआ है. उस घर को क्या किया आपने? रेंट पे लगा दिया. तो बताइए अब, और रेंट पे लगाने के बाद आपने अपने टेनेंट से ये कहा है कि मुझे पैसा इंडिया में नहीं चाहिए, मुझे पैसा कहाँ चाहिए? यूएसए में. क्योंकि अगर मैं पैसा इंडिया में रिसीव करूँगा ना, तो मुझे इंडिया में टैक्स देना पड़ जाएगा. क्योंकि सरकार ने क्या कर रखी है? फर्स्ट पॉइंट बना रखी है. क्या? इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, तो टैक्स देना पड़ेगा. हम नॉन रेसिडेंट है फिर भी टैक्स देना पड़ेगा. तो इससे अच्छा है कि मुझे आप मेरे घर में रहो रेंट, लेकिन मुझे यहाँ मत दो. कहाँ दो? यूएसए में दे दो. मैं नॉन रेसिडेंट हूँ, मैं टैक्स से बच जाऊँगा. लेकिन जब मैं सेकेंड पॉइंट आपको बताऊँगा ना, तो उसके बाद उस बंदे की ज़मीन खिसक जाएगी. सेकेंड पॉइंट है क्या कि इनकम कहीं भी रिसीव करो, अगर वो अक्रू अराइज इंडिया में हुआ है, अगर जमीन आपका दिल्ली में है, घर आपका दिल्ली में है, तो इनकम अक्रू अराइज कहाँ पे हुआ है? इंडिया में हुआ है. भाई जमीन, सॉरी, घर जिस लैंड पे, वो लैंड किस टेरिटरी के अंदर आता है? इंडियन टेरिटरी के अंदर आता है. तो आपका ऑफकोर्स इनकम कहाँ अक्रू अराइज हुआ है? इंडिया में हुआ है. बात समझ गए? यहाँ आपकी इनकम की ग्रोथ हुई है, तो उस इनकम पे आपको यहाँ पे टैक्स देना पड़ेगा, भले ही रिसीव आपने कहीं भी कर लिया हो. ठीक है ना? तो इसका मतलब है सर कि ये फर्स्ट पॉइंट हो जाए तो भी टैक्स देना पड़ेगा, सेकंड पॉइंट हो जाए तो भी ये टैक्सेबल इनकम होगा, ऑफ कोर्स तो भी ये टैक्सेबल इनकम होगा. मतलब इनकम अर्नड एंड रिसीव में से दोनों में से कोई एक चीज़ भी अगर इंडिया में हुआ है और एक कहीं और भी हुआ है, तो भी आपको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा. अब बात यह आती है कि अगर दोनों इंडिया में हुआ तो भी देना पड़ेगा. जब दोनों इंडिया में हो गया, तो मैंने क्या कहा था, कोई एक भी इंडिया में होगा तो देना पड़ेगा. तो दोनों हुआ तो क्यों नहीं देना पड़ेगा? नहीं, बात समझे? अगर अक्रू इंडिया में हुआ, रिसीव इंडिया में हुआ, तो इसका मतलब फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों कंडीशन फुलफिल कर दिया, तब तो बहुत अच्छी बात है, तब तो देना ही देना पड़ेगा. बात समझ गए? अगर फर्स्ट कंडीशन फुलफिल करने से भी वो टैक्सेबल हो जाता है, सेकंड कंडीशन फुलफिल करने से भी टैक्सेबल हो जाता है, और फर्स्ट एंड सेकंड दोनों कंडीशन फुलफिल करता है तो भी टैक्सेबल होगा. तो फिर बचने का रास्ता क्या है? बचने का एक रास्ता है, ठीक है ना? लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं एक्रू अराइज का मीनिंग आपको हल्का सा बता देता हूँ. यहाँ पर क्या आपको एक्रू अराइज का मीनिंग है, देखिए, एक्रू मीन्स व्हाट? टू अराइज, स्प्रिंग एज ए नेचुरल ग्रोथ. भाई घर आपका दिल्ली में है, तो क्या आपने उस रेंट को कमाने के लिए कुछ मेहनत किया क्या? नहीं. एक बार घर आपने जब लिया तब लिया, उसके बाद वो रेंट क्या होता है? खुद ब खुद ही हो रहा है आपका, घर की वजह से ही हो रहा है. ग्रोथ और रिजल्ट टू कम बाई वे ऑफ इंक्रीजेज. अराइजिंग मीन्स कमिंग इन टू एग्जिस्टेंस और नोटिस और प्रेजेंटिंग इट सेल्फ. एक्रू कनोट्स ग्रोथ एंड एक्यूमुलेशन विद इंक्रीज विद अ टेंजिबल शेप सो एज टू बी रिसीव्ड. इन सेकेंडरी सेंस टू वर्ड्स टूगेदर मीन टू बिकम अ प्रेजेंट एंड इन्फोर्सिबल राइट और टू बिकम प्रेजेंट राइट ऑफ डिमांड. इस सेंटेंस को आप मत समझो. मैं समझ चुका हूँ, मैं आपको सिंपल सेंटेंस में समझाता हूँ. इसका मतलब सिंपल ये हुआ कि आपके पास एक घर है, वो घर आपने किसी को किराए पर दे दिया, आप उसके बाद कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आपने कोई फिजिकल वर्क नहीं किया, आपने कोई मेंटल वर्क नहीं किया है. एक महीने के बाद खुद ब खुद इनकम क्या हो जाएगा? अराइज हो जाएगा, खुद ब खुद ड्यू हो जाएगा, और आप उसके पास किराए के लिए पहुंच जाओगे. एक टेंजिबल शेप में आ जाएगा, मतलब वो कैश आपको चाहिए, उसे डिमांड करोगे आप. ठीक है ना? तो ये एक्रू अराइज का यहाँ पे मीनिंग है, टेक्निकल मीनिंग है. बात समझ गए? आइए इसका थर्ड पॉइंट देखिए.
इनकम विच अक्रू अराइज यहाँ कौन कौन है आर ओ आर एन ओ आर और एन आर पॉइंट यहाँ पे है इनकम विच अक्रू अराइज अक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया एंड रिसीव्ड ऑल्सो आउटसाइड इंडिया ऑल्सो आउटसाइड इंडिया बात समझ रहे हैं इनकम विच अक्रू अराइज आउटसाइड इंडिया और रिसीव्ड ऑल्सो आउटसाइड इंडिया फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया इसका मतलब समझ रहे हैं इसका मतलब क्या है अभी मैंने कुछ देर पहले कहा था कि अगर आपका इनकम रिसीव भी इंडिया से बाहर हो ड्यू भी कहाँ हुआ हो इंडिया से बाहर हो ठीक है रिसीव भी इंडिया से बाहर हुआ है ड्यू भी इंडिया से बाहर हुआ है डिम टू बी रिसीव्ड भी इंडिया से बाहर हुआ है डिम टू अक्रू अराइज भी इंडिया से बाहर हुआ है फर्स्ट एंड सेकेंड पॉइंट बोथ आउटसाइड इंडिया मैं इसको ब्रैकेट में इसे समझा सकता हूँ आपको फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ आउटसाइड इंडिया सिंपल तरीके समझने के लिए भी तरीका सही है फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ आउटसाइड इंडिया From a business controlled from India. किस business से जो business कहाँ से control हुआ है From a business controlled from India. First and second क्या था First point था received in India. Second point क्या था accrued in India. यहाँ क्या हो रहा है दोनों इंडिया से बाहर बात समझ गए लेकिन किस बिजनेस से जिस बिजनेस का कंट्रोल कहाँ से हो रहा है इंडिया से हो रहा है पहले इसका एग्जांपल समझिए मान लीजिए कि रिलायंस इंडिया अफ्रीका में काम कर रहा है रिलायंस का बिजनेस अफ्रीका में भी हो सकता है और होगा ही तो रिलायंस कहाँ कमा रही है कहाँ ड्यू हो रहा है उसका इनकम अफ्रीका में रिसीव कहाँ हो रहा है अफ्रीका में ही हो रहा है फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों पॉइंट इंडिया से बाहर होना चाहिए लेकिन जो बिजनेस रिलायंस अफ्रीका में चला रहा है उसका कंट्रोल कहाँ से है इंडिया से अगर कंट्रोल इंडिया से है तो फिर फर्स्ट एंड सेकेंड पॉइंट दोनों अगर इंडिया से बाहर हो रहा है फिर भी आप नहीं बच सकते आपको टैक्स देना पड़ेगा आपका इनकम टैक्सेबल हो जाएगा लेकिन किस केस में सिर्फ आर ओ आर के केस में होगा एन ओ आर के केस में होगा एन आर के केस में नहीं होगा यहाँ पे एन आर बच गया क्योंकि एनआर क्या कहेगा भाई मेरी इनकम रिसीव कहाँ हो रही है इंडिया से बाहर ड्यू कहाँ हो रही है इंडिया से बाहर मैं खुद कहाँ रहता हूँ इंडिया से बाहर ठीक है ना तो मेरा क्या मतलब इंडिया से मैंने रिलायंस वाले केस में टैक्सेबल क्यों कर दिया क्योंकि रिलायंस जो कंपनी है वो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया से हो रहा है रजिस्टर्ड भी इंडिया में हुआ हुआ है तो इसका मतलब इंडिया में क्या हो रेसिडेंट है इंडिया में क्या हो रेसिडेंट है तो कोई कंपनी अगर इंडिया में रेसिडेंट है तो वो दुनिया के किसी भी कोने में इनकम कमाता हो कहीं भी रिसीव करता हो उसकी इनकम कहाँ टैक्सेबल हो जाएगी इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी बात समझ गए मैं एक एग्जांपल देता हूँ मान लो कोई एक्स वाई जेड कंपनी है वो इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं हुई है और वो इंडियन ऑफ कोर्स इंडियन कंपनी नहीं है
उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट भी इंडिया में नहीं है, बात समझ गए, और वो इनकम कहाँ रिसीव करता है, इंडिया से बाहर, बात समझ गए, और ड्यू भी कहाँ होता है, इंडिया से बाहर, रिसीव भी कहाँ होता है, इंडिया से बाहर, तो क्या वो इंडिया में उसकी इनकम टैक्सेबल होगी, नहीं होगी, मान गए। एक बार फिर से पूछता हूँ, इनकम रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, इनकम ड्यू आउटसाइड इंडिया एंड बिजनेस इज ऑल्सो नॉट कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, तो क्या इंडिया में टैक्सेबल होगा फिर? ऑफ कोर्स नहीं होगा, अगर बिजनेस का कंट्रोल इंडिया से हो रहा है तो टैक्सेबल होगा। फोर्थ पॉइंट पर आ जाइए, इनकम विच अक्रू अराइज, मैं फोर्थ पॉइंट को सिंपल तरीके से लिख देता हूं, थर्ड पॉइंट ही फोर्थ पॉइंट है, ओनली डिफरेंस दैट बिजनेस इज नॉट कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, थर्ड पॉइंट ही है, तो ओनली डिफरेंस इज व्हाट, ओनली डिफरेंस इज बिजनेस इज नॉट कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, बिजनेस इंडिया से कंट्रोल नहीं हो रहा है। इस केस में भी ROR को तो टैक्स देना पड़ेगा, यहाँ NOR बच गया और नॉन रेसिडेंट भी बच गया, मतलब साफ सी बात है कि ROR होना सबसे ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि ROR दुनिया के किसी भी कोने में कमा ले उसको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है ना। अब आप कहोगे सर मेरी इनकम USA में होती है, मैं रिसीव भी वहीं करता हूँ, तो मैं यहाँ टैक्स क्यों दूँ? तो फिर मैं आपसे कहूँगा कि आप यहाँ क्या करते हो, आप वहीं चले जाओ, अगर आप इंडिया में रहते हो तो आपको फिर यहाँ टैक्स देना होगा, बात समझ गए। एक बार फिर से सुन लो, आपने कमाया कहाँ, USA, रहते कहाँ पे, सॉरी ड्यू कहाँ किया, USA में, रिसीव कहाँ किया, USA में, आप खुद कहाँ रहते हैं, इंडिया में, या आपका इंडिया इतना आना जाना है कि आप इंडिया में क्या हो चुके हैं, ROR हो चुके हैं, ऑर्डनरी रेसिडेंट हो चुके हैं, तो फिर टैक्स आपकी इनकम टैक्सेबल यहाँ पे हो जाएगी, मान गए। आइए फिफ्थ केस देखिए, ये आपका फोर्थ थर्ड पॉइंट ही है, फिफ्थ पॉइंट भी थर्ड पॉइंट है, द ओनली डिफरेंस क्या है, रिसीव्ड और एक्रूराइज प्रिसीडिंग द प्रीवियस ईयर, एंड रेमिटेड टू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, रेमिटेड टू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, इसका मतलब ये हुआ इनकम अक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया, रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, लेकिन ये रिसीव और अक्रू राइज कब हुआ है, जो प्रीवियस ईयर है उससे पहले के साल में हुआ है, अगर 18-19 प्रीवियस ईयर चल रहा है तो 18-19 में नहीं हुआ है, बल्कि कब हुआ है, 17-18 में हुआ है, 15-16 में हुआ है, लेकिन वो रेमिट किया गया कब, इस प्रीवियस ईयर में रेमिट किया गया, मतलब रेमिट मतलब क्या होता है, सेंडिंग द मनी, मनी को भेजना, भेजा गया इंडिया में इस साल में, तो मैंने पहले ही कहा था आपको, ठीक है ना, कि ये यहाँ पे टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि अभी हम जिस प्रीवियस ईयर की बात करते हैं उस प्रीवियस ईयर की ये इनकम नहीं है, जिस प्रीवियस ईयर की बात कर रहे हैं उस प्रीवियस ईयर की इनकम नहीं है, इनकम प्रीसीडिंग टू प्रीवियस ईयर है, और वो उस प्रीवियस ईयर में क्या हो चुका होगा, ऑलरेडी उसका ट्रीटमेंट हो चुका होगा, और रेमिटेंस के बेसिस पे टैक्सेबिलिटी नहीं होती है, ये मैंने शुरू में ही बता दिया था आपको,
इन द बिगिनिंग ऑफ द क्लास ओनली. रेमिटेंस डजेंट मीन द अर्निंग और रिसीव. रेमिटेंस का मतलब क्या होता है? यू ऑलरेडी रिसीव द मनी एंड इन सेकेंड स्टेप यू आर सेंडिंग द मनी टू योर रिलेटिव्स, उसको बोलते हैं रेमिटेंस. रेमिटेंस के बेसिस पे टैक्सेबिलिटी नहीं होती है. बात समझ गया ना? अब मैं कह रहा हूँ कि जैसे मान लो आप मुझे फ़ी देते हो और मैं वही फ़ी अपनी वाइफ मैडम को देता हूँ, एक्चुअली वो किसकी इनकम है? मेरी इनकम मानी जाएगी, क्योंकि जब आपने मुझे दिया था उस वक्त वो ऑनरशिप चेंज हुआ है, और जब मैंने उसको मैडम को हैंड ओवर किया तो ऑनरशिप चेंज नहीं होता उसमें, वो तो रेमिटेंस हो गया, वो फिर इनकम नहीं मानी जाएगी. बात समझ गए? तो ये होगी बात आपकी. ये पांच पॉइंट थे, ये ध्यान रखेंगे आप तो फिर आपको पता चल जाएगा कि दुनिया में कौन सी इनकम है या इंडिया की कौन सी इनकम है जो ROR, NOR और NR के लिए टैक्सेबल होगा इंडिया में. बात समझ गए? आइए इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, बहुत ही आसान लगेगा आपको. देखिए क्वेश्चंस, इसमें थ्योरेटिकली बातें और भी बहुत कुछ लिखी हुई है, लेकिन वो कुछ भी आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है. जितना मैंने कह दिया है उतना ही इम्पोर्टेंट है. और सब चीज़ ऐसा नहीं आता कि डेफिनेशन लिख लेंगे, डिम टू बी रिसीव्ड का डेफिनेशन लिखो, एब्सोल्युटली नॉट, ऐसा नहीं आता. देखिए सवाल, ये सवाल ऐसा नहीं है कि इसको करके दिखाना है मुझे, ये ऑब्जेक्टिव टाइप का सवाल है, आपको खुद ही करना है इस सवाल को लॉजिक लगा के, ठीक है ना? देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 2.11 की बात कर रहा हूँ. रेंट फ्रॉम अ प्रॉपर्टी इन दिल्ली. टेक्निक देखो क्या है इसका, सिंपल. पहले आप कोई भी सवाल पढ़ो ना तो ये पता लगाने की कोशिश करो कि इसका इंडिया से क्या लिंक है. मैं आगे पढ़ा ही नहीं सवाल को, क्योंकि रेंट फ्रॉम अ हाउस प्रॉपर्टी इन दिल्ली, प्रॉपर्टी कहाँ पे है? दिल्ली में. तो ऑफकोर्स वो ड्यू कहाँ हुआ होगा? दिल्ली में. और रिसीव्ड कहाँ हुआ? यूएसए में. तो क्या होता है, क्या फ़र्क पड़ता है? अगर रिसीव हो गया इंडिया में तो भी टैक्स दो, ड्यू हो गया इंडिया में तो भी टैक्स दो. तो ये कौन सा पॉइंट लगेगा यहाँ पे? सेकेंड पॉइंट. सेकेंड पॉइंट से टैक्सेबल हो जाएगा. और किसको टैक्स देना पड़ेगा? एवरीबॉडी, ROR, NOR एंड NR, सबको टैक्स देना पड़ेगा. मान गए? देखिए बी पॉइंट, इनकम फ्रॉम अ बिजनेस इन USA कंट्रोल फ्रॉम दिल्ली. इनकम फ्रॉम बिजनेस फ्रॉम बिजनेस इन USA, बिजनेस कहाँ पे है? USA में. ऑफकोर्स ड्यू कहाँ हुआ होगा? USA में. रिसीव भी कहाँ हुआ? USA में. नहीं लिखा तो मान के चलेंगे USA में रिसीव हुआ है, लेकिन बिजनेस कहाँ से कंट्रोल हुआ है? बिजनेस कंट्रोल हुआ दिल्ली में. ये कौन सा पॉइंट हो गया? थर्ड पॉइंट. थर्ड पॉइंट क्या है? रिसीव्ड अक्रूराइज बोथ आउटसाइड इंडिया फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया. कौन टैक्स देगा? ROR और NOR. इनकम फ्रॉम बिजनेस इन बैंगलोर. बिजनेस कहाँ पे आपका है? बैंगलोर में. आगे पढ़ने की जरूरत है? तीनों को टैक्स देना पड़ेगा. रेंट फ्रॉम अ प्रॉपर्टी इन USA रिसीव्ड देयर बट सब्सिक्वेंटली रेमिटेड टू इंडिया. कोई देगा इसको? क्योंकि मैंने क्या कहा था, रेमिटेंस के बेसिस पे हम टैक्स नहीं देखते हैं. टैक्स किस पे देखते हैं? ड्यू और रिसीव. और दोनों कहाँ हुआ है? इंडिया से बाहर. दोनों इंडिया से बाहर हुआ है. ड्यू भी हो गया इंडिया से बाहर, रिसीव भी हो गया इंडिया से बाहर, और बाद में उसको क्या किया गया है? इंडिया में भेजा गया है, रेमिट किया गया है. रेमिट का मतलब होता है टू सेंट. तो यहाँ पे कोई भी टैक्स नहीं देगा. सब्सिक्वेंटली रिमिटेड टू इंडिया. लेकिन मैं ये क्या कहा ना भी, आपको कोई टैक्स नहीं देगा. मैं समझ गया था कि कुछ मिस्टेक्स हो रहा है. क्यों? क्योंकि मैंने टैक्स नहीं होगा तभी बात की थी जब ये इनकम प्रिसीडिंग टू प्रीवियस ईयर को बिलोंग करता होगा. ये प्रिसीडिंग टू प्रीवियस ईयर तो लिखा नहीं यहाँ पे. तो एक बार फिर से सुनो, इनकम रिसीव कहाँ हुआ है? इंडिया से बाहर. ड्यू कहाँ हुआ है? इंडिया से बाहर. ठीक है, लेकिन किस साल में हुआ ये? पिछले इस प्रीवियस ईयर में हुआ, जो प्रीवियस ईयर की हम बात कर रहे हैं. ये प्रिसीडिंग टू प्रीवियस ईयर का इनकम नहीं है,
ठीक है ना, जिस प्रीवियस ईयर की हम बात कर रहे हैं 1819 की बात करें तो 1819 की इनकम है ये। और मैंने क्या कहा था कि 1819 में कोई भी ऐसी इनकम जो ROR कमाता है, दुनिया के किसी भी अक्रॉस द ग्लोब कहीं भी कमाता है, उस इनकम पर क्या करना पड़ेगा, उसको टैक्स देना पड़ेगा। तो ROR को तो टैक्स देना पड़ेगा। एक बार फिर सुन लीजिए आप, इनकम कौन सी साल की है, प्रीवियस ईयर, कौन सी प्रीवियस ईयर, 1819। इनकम रिसीव कहाँ हुआ, एक बात तो समझ गए, अगर इनकम प्रीवियस ईयर को बिलोंग करता है तो टैक्सेबल हो सकता है। अब मैं देखता हूँ कि इनकम कहाँ बिलोंग करता है, इनकम ड्यू हुआ USA में, रिसीव हुआ USA में, दोनों इंडिया से बाहर हुआ है, रेमिटेंस के बेसिस पे हम टैक्स करते नहीं हैं, दोनों इंडिया से बाहर हुआ है और इनकम इस साल का है, तो अल्टीमेटली किसको टैक्स देना होगा, ROR को तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने क्या कहा कि ROR को टैक्स देना ही पड़ता है चाहे वो इनकम कहीं से भी कमाया हो। आप नहीं समझ पाए तो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, बताइए इनकम किस प्रीवियस ईयर को बिलोंग करता है, 1819 को। इनकम ड्यू कहाँ हुआ, आउटसाइड इंडिया। रिसीव कहाँ हुआ, आउटसाइड इंडिया। रेमिटेंस का ख्याल रखेंगे क्या, नहीं, रेमिटेंस पढ़ना ही मत, छोड़ देना। तो जब ड्यू आउटसाइड, रिसीव आउटसाइड, इनकम बिलोंग्स टू दिस प्रीवियस ईयर, तो कौन टैक्स देगा, ओनली ROR। कौन सा पॉइंट है ये, फोर्थ पॉइंट है, पढ़ो फोर्थ पॉइंट में क्या लिखा है, देखो फोर्थ पॉइंट, देखो क्या लिखा हुआ है, फोर्थ पॉइंट पढ़ो, फोर्थ पॉइंट क्या लिखा है था मैंने आपको, कॉन्सेप्चुअल पॉइंट की बात कर रहा हूँ, इनकम विच अक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया, रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया इन द प्रीवियस ईयर फ्रॉम एनी अदर सोर्स, कहा कि नहीं कहा, आई बात समय में, हॉज पॉज तो नहीं हो गया, कोई पंगा तो नहीं है, एक्सक्यूज मी, नहीं आया समय में, पूछो कुछ क्वेश्चन पूछो तो समय में आ जाएगा। देखो आपके दिमाग में ये आ रहा है कि उससे हम टैक्स क्यों ले रहे हैं, टैक्स क्यों ले, वो ROR है। अब फिर आपने क्या क्वेश्चन पूछा, वो इंडियन सिटीजन है, रेसिडेंशियल स्टेटस का सिटीजनशिप से कोई मतलब नहीं है, ROR वो कब हो सकता है, जब वो इंडिया आता रहेगा। अभी कुछ देर पहले मजाक मजाक में मैंने एक बात कही थी आपसे कि जब तुम्हारी इनकम रिसीव भी इंडिया से बाहर हो रही है, कमा भी तुम वहीं रह रहे हो, तो तुम इंडिया में क्या करते हो, अगर तुम इंडिया इतना ज़्यादा आते हो कि तुम इंडिया में ROR हो चुके हो, तो तुम दुनिया के किसी भी कोने में कमाते हो, तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा। बात समझ गए, एक एग्जांपल ले लो, मेरा ही एग्जांपल लो, जैसे मान लो मैं दिल्ली में रहता हूँ, मेरा घर कहाँ पे है, USA में, एक घर USA में पड़ा हुआ है, ऐसे बहुत अमीर हूँ मैं, असलियत में क्या हूँ तो मैं जानता हूँ, ठीक है ना, लेकिन मान लो, मानने में क्या आता है, मेरा घर USA में और वहाँ पे रेंट पे लगा हुआ है, वहाँ के टेनेंट से मैं कहता हूँ कि मुझे इनकम इंडिया मत भेजना, वही रख लेना, मैं कभी आऊँगा तो वहीं खर्च वर्च कर लूँगा अपना, इंडिया भेजोगे तो यहाँ टैक्स लग जाएगा। इनकम टैक्स को पता चल गया, इनकम टैक्स मेरे पास आ गया, भाई साहब सुना है आपकी प्रॉपर्टी है कहाँ पे, USA में, हाँ तो क्या हो गया, आपने खूब रेंट कमाया उस पर, हाँ तो कमाया, प्रॉपर्टी मेरी USA में और मैंने रेंट भी वहाँ कमाया, कोई इंडिया थोड़ी लाए पैसे, आपको क्या फ़र्क पड़ता है इस बात से। इनकम टैक्स कहता है कि जब आपकी प्रॉपर्टी USA में है, कमाते भी USA में, रिसीव भी वहीं करते हो, तो आप खुद यहाँ क्या कर रहे हो, तो मेरा तो ये अपना कंट्री है, मैं रहूँगा यहाँ पे, मैं आता जाता रहता हूँ, आप इतने आते जाते हो कि आप यहाँ पे ROR हो चुके हो, पता है आपको, मैं ROR हूँ यहाँ पे, ऑफ कोर्स, तो क्या हुआ, तो ROR है, इसका मतलब है कि आप यहाँ के रिसोर्सेज का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप टैक्स दें। तो फिर मैं लास्ट क्वेश्चन इनकम टैक्स से पूछूंगा कि मैं टैक्स देना चाहता हूँ लेकिन मैंने कमाया कहाँ पे है, भाई कमाया तो है आपने, तो कमाई मेरी USA की है, तो क्या हुआ, आप ROR हैं, आप दुनिया के किसी भी कोने में कमाते हैं, आपको टैक्स इंडिया में देना पड़ेगा, अगर आप बचना चाहते तो आप वहीं चले जाइए, आप यहाँ आते हैं, यहाँ के एयर, यहाँ के वाटर, यहाँ के लैंड, यहाँ के सारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं, तो उसको रिप्लेनिश करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए पैसा नहीं चाहिए क्या सरकार को, टैक्स दो उसके ऊपर। ऐसे तो सब लोग क्या करे, पैसा कमाए, पैसा कमा के जमा करे, बाहर जाके प्रॉपर्टी खरीद ले और फिर इंडिया में आके रह जाए, नहीं बात समझे, तो कोई टैक्स नहीं देगा। सीधा सा मतलब है कि आप अगर ROR हैं तो ग्लोब के किसी भी को, इंडिया के बाहर कहीं पर भी आपकी प्रॉपर्टी है,
आपकी उस इनकम पे इंडिया में आपको टैक्स लगेगा। आप बचना चाहते हैं तो आप खुद भी बाहर चले जाइए, इंडिया उतना मत आइए, जिससे कि आप ROR डिक्लेयर हो जाए इंडिया में। बात समझ गए? ज़्यादा समझाऊंगा तो शायद जानते हो क्या होता है, जीरो हो जाता है सब कुछ, इसलिए ज़्यादा मत समझो। अब स्टोरी की बात तो समझ गए ना, एक्सक्यूज़ मी। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट बताइए क्या है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ कहता है प्रॉफिट फॉर द ईयर 17-18। आप देख लो बात, अभी कौन सा प्रीवियस ईयर चल रहा है, 18-19, और ये किस प्रीवियस ईयर की बात कर रहा है, 17-18। तो 17-18 की इनकम की बात अभी हम क्यों करेंगे, देखो ना। अब बिजनेस इन USA रेमिटेड टू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 18-19, दो बात, एक तो रेमिटेंस के बेसिस पे टैक्सेबल होता नहीं है, और दूसरी बात ये इनकम इस प्रीवियस ईयर को बिलोंग करता नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, हम छोड़ देंगे। फिर से बोलता हूँ, रेमिटेंस के बेसिस पे टैक्स होता नहीं है, और ये इनकम किस प्रीवियस ईयर को बिलोंग करता है, पिछले प्रीवियस प्रेसिडिंग टू प्रीवियस ईयर को बिलोंग करता है, टैक्सेबल नहीं होगा, किसी को टैक्स नहीं देना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, फॉर नॉट ऑर्डिनरी, आई एम सॉरी, अगला पॉइंट है गिफ्ट रिसीव फ्रॉम हिज पेरेंट्स, बताओ क्या होगा, टैक्सेबल नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, गिफ्ट रिसीव फ्रॉम पेरेंट्स क्यों टैक्सेबल होगा, आप ये कहते हो कि मेरे पापा ने कमाया और मुझे पैसा दिया तो टैक्सेबल क्यों होगा, ठीक है आप सही कहते हैं, अगर आपके फादर आपको पैसा देते हैं तो टैक्सेबल नहीं होगा, लेकिन इसका लॉ है कि जब रिलेटिव से गिफ्ट मिलता है, रिलेटिव से गिफ्ट मिलता है तो वो टैक्सेबल नहीं होता है। ध्यान सुनना, आगे चल के इनकम फ्रॉम अदर सोर्स चैप्टर में पढ़ाऊंगा इस चीज़ को आपको। आपको अगर कोई गिफ्ट अपने रिलेटिव से मिल रहा है तो ऑफकोर्स वो आपकी इनकम है, लेकिन वो एग्जेम्प्ट है, वो टैक्सेबल नहीं है। तो पेरेंट्स भी क्या है, रिलेटिव है, उनसे अगर इनकम मिलता है तो वो टैक्सेबल नहीं है। बात समझ गए? ई वाला पॉइंट आंसर छूट गया था। देखिए ई पॉइंट क्या है, इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट्स विद एन इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन USA। अब देखो, आपने अपना एक सेविंग्स कर रखा है किस कंपनी में, इंडियन कंपनी में, आपने इंडियन कंपनी में सेविंग कर रखा है, और उस कंपनी से क्या मिला आपको, इंटरेस्ट मिला। तो बताइए इनकम के कमाने का वजह क्या है, इंडियन कंपनी है, इनकम के कमाने का वजह, आपको इंटरेस्ट किस कंपनी से मिल रहा है, इंडियन कंपनी से। एक्सक्यूज मी, सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो, आपको किस कंपनी से इंटरेस्ट मिल रहा है, इंडियन कंपनी से। तो मैंने कुछ देर पहले क्या कहा था कि इंडिया की वजह से अगर आप कमाते हो या इंडियन की वजह से आप कमाते हो, कोई भी वजह से कमाते हो, तो अल्टीमेटली क्या करना पड़ेगा, आपको टैक्स देना पड़ेगा। मैंने इमोशनली इंडियन वर्ड भी इस्तेमाल कर दिया, ये गलत हो गया, क्योंकि इंडियन तो बाहर भी होते हैं ना, ऐसा नहीं, इंडिया की वजह से आप कमाते हो, आपकी कमाई का इंडिया से लिंक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। बात समझ गए? तो बताइए यहाँ पे फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ऐसे स्टोरी बना के एक्सप्लेन करता हूँ। आपको इंटरेस्ट मिलता है, किससे इंटरेस्ट मिलता है, एक इंडियन कंपनी से मिलता है, ठीक है ना, और वो इंटरेस्ट आप रिसीव कहाँ करते हैं, इंडिया से बाहर रिसीव करते हैं, कहाँ पे, USA में। आप उस पर टैक्स नहीं देना चाहते हैं, इनकम टैक्स वाला आपको यूँ समझाता है, देखो भाई साहब, रिसीव और ड्यू में से कोई एक भी चीज़ अगर इंडिया में हो गया तो टैक्स दोगे ना, हाँ दूंगा। रिसीव आपका इंडिया से बाहर हुआ है, लेकिन जिस कंपनी से रिसीव हुआ वो कौन सी कंपनी है, इंडियन कंपनी है, तो इसका मतलब ड्यू कहाँ पे हुआ आपका, इंडिया में हुआ है, तो फिर आपको टैक्स देना पड़ेगा, NRV देगा। एक और कहानी समझो, मान लो कि रिलायंस कंपनी इंडियन कंपनी है ना, रिलायंस कंपनी कौन सी कंपनी है, इंडियन है, हमने उसमें पैसा रखा अपना, मुझे इंटरेस्ट मिला। अब मैं हमेशा इंडिया में रहता हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं हमेशा इंडिया में रहता हूँ, और मैंने इंटरेस्ट रिसीव कहाँ किया, USA में। इनकम टैक्स कहेगी भाई साहब आप इस चालाकी से बच नहीं सकते कि आपने इंटरेस्ट कहाँ रिसीव कर लिया, USA में। भाई साहब आप रहते कहाँ पे हो, इंडिया में, आप इंडिया में ROR हो, और जिस कंपनी से पैसा आपको मिला है वो कंपनी इंडियन कंपनी है, तो ड्यू कहाँ पे हुआ आपका, इंडिया में, आपको टैक्स देना पड़ेगा। एक और एग्जांपल लो, मान लो कोई ब्रिटिशर्स है, कोई भी ब्रिटिशर्स है XYZ, वो इंडियन कंपनी रिलायंस में पैसा जमा करता है, कहाँ से, ब्रिटेन से ही जमा करता है, नहीं कर सकता क्या,
भाई सेविंग्स तो कोई कहीं भी कर सकता है। लंदन का बंदा, ब्रिटेन का बंदा इंडियन कंपनी पैसा लगा दिया यहाँ पे, उसको इंटरेस्ट मिल रहा है, और इंटरेस्ट उसको कहाँ रिसीव हो रहा है, लंदन में, लेकिन टैक्स कट के रिसीव होगा उसको। सरकार कहेगी टैक्स दो, क्योंकि टैक्स, क्योंकि इनकम आपने किससे कमाया है, इंडियन कंपनी से कमाया है। बात समझ गए? तो दुनिया के कोई भी बंदा अगर इंडियन कंपनी से इंटरेस्ट कमाता है तो उसको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा, चाहे वो रेजिडेंट हो, नॉन रेजिडेंट हो एंड एनओआर हो। इंडियन कंपनी कहाँ ऑपरेट करती है इससे फर्क नहीं पड़ता, अगर इंडियन कंपनी है तो रेजिडेंट कंपनी है। आपको याद है कहा था कंपनी का रेजिडेंशियल स्टेटस, समझाया था मैंने आपको। कंपनी रेजिडेंट तब मानी जाती है जब दो कंडीशन फुलफिल होता है। पहला कंडीशन क्या था, इंडियन कंपनी हो तो ऑटोमेटिक रेजिडेंट हो गया। अगर इंडियन कंपनी नहीं हो तो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कहाँ होना चाहिए, नहीं नहीं 100% इंडिया में होना चाहिए, 100% इंडिया होना चाहिए, तभी क्या मानी जाती थी उसको, रेसिडेंट। तो यहाँ पे ये इंडियन कंपनी है, इसका मतलब कंपनी खुद रेसिडेंट है इंडिया में, और उस कंपनी से अगर आप इंटरेस्ट कमाओगे, दुनिया किसी भी कोने में कमाओ, कहीं भी रिसीव करो, टैक्स इंडिया में देना पड़ेगा। देखो अगर आप बहुत सारे सिचुएशन को एक साथ मिक्स करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। पहले ये बात समझ में आ गई आपको, क्या समझ में आई, कि इंडियन कंपनी में अगर हम सेविंग्स करते हैं और उससे मुझे इंटरेस्ट मिलता है तो हम, हमारी रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, मेरी इनकम क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। अब आप पूछो क्या पूछना चाहते हो। बाहर की कंपनी इंडिया में काम करती है, ठीक है, तो इनकम कौन, किसके इनकम की बात कर रहे हो, एम्प्लॉई के इनकम की बात कर रहे हो जो उसमें काम करती है, या कंपनी के इनकम की बात कर रहे हो? कंपनी के इनकम की बात करो, सुनो ध्यान से। एक्स वाई जेड कंपनी है, पहले ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया ना, ठीक है। देखिए लिख के समझाता हूँ, एक्स वाई जेड लिमिटेड है और ये यूएसए कंपनी है, कहाँ काम कर रही है, ऑपरेटिंग इन इंडिया, ठीक है ना। ये क्या हो सकती है, कंपनी क्या हो सकती है, रेसिडेंट हो सकती है और नॉन रेसिडेंट हो सकती है, दोहित हो सकता है। अगर ये फॉरेन कंपनी है, इसकी कंट्रोल एंड मैनेजमेंट टोटली इंडिया में है तो ये क्या हो गया, रेसिडेंट। अगर टोटली इंडिया से बाहर है तो क्या हो गया, नॉन रेसिडेंट। फिर भी टैक्सेबल होगा, फिर भी टैक्सेबल होगा, इस कंपनी की इनकम टैक्सेबल होगी, क्योंकि अक्रू अराइज कहाँ पे हो रहा है, इंडिया में हो रहा है। जब वो इंडिया में ऑपरेट कर रहा है तो ऑफकोर्स अक्रू अराइज कहाँ हो रहा है, इंडिया में हो रहा है। रिसीव भले कहीं भी कर ले हो, जब इंडिया में फंक्शन कर रहे हो तो आपको देना पड़ेगा यहाँ पे टैक्स। बात समझ गए? अब आप पूछ लो, सर इस कंपनी में कोई बंदा काम कर रहा है, मैं वहाँ लिख देता हूँ एम्प्लॉई ऑफ द कंपनी। अब वो एम्प्लॉई ऑफ द कंपनी क्या हो सकता है, वो एम्प्लॉई ऑफ द कंपनी इस कंपनी में काम करेगा, इंडिया में काम करेगा। बात समझ गए, समझ गए, इंडिया में काम कर रहा है। तुम कहोगे सर हो सकता है इस कंपनी का ब्रांच इंडिया से बाहर हो, वहाँ काम करता हो। बात समझ गए? देखिए इस, ये भी तीन तरह हो सकते हैं, आर ओ आर, एन ओ आर और एन आर, हो सकते हैं ना। पहले आर ओ आर की बात करते हैं। आर ओ आर से ये कहा जाएगा कि अगर इस कंपनी में आप काम करते हो, इंडिया में करते हो तो भी टैक्स दो, इंडिया से बाहर करते हो तो भी टैक्स दो। इससे क्या कहा जाएगा, इंडिया में करता तो भी टैक्स दो, इंडिया से बाहर करते हो तो भी टैक्स दो। इनसे क्या कहा जाएगा, इंडिया में करते हो तो टैक्स दो, लेकिन अगर इंडिया से बाहर करते हो तो टैक्स मत दो। क्यों नहीं दो, क्योंकि कंपनी भी कहाँ ऑपरेट कर रही है, इंडिया से बाहर, और तुम खुद भी कहाँ रह रहे हो, इंडिया से बाहर, तो तुम्हारा इंडिया से मतलब क्या है भाई। यूएसए की कंपनी का ब्रांच यूएसए में भी हो सकता है, और कोई यूएसए का बंदा भी वहाँ काम कर सकता है, तो यूएसए का बंदा यूएसए कंपनी में यूएसए में काम कर रहा है तो उसका इंडिया से क्या मतलब है, लेकिन यूएसए का बंदा यूएसए कंपनी में इंडिया में काम कर रहा है तो मतलब है उसका, ऑफ कोर्स मतलब है उसका। बात समझ गए, समझ गए, इंडिया से इनकम का कनेक्शन है तो आपको, आप जानते हो क्या करना, सिंपलिसिटी के लिए काम करना, एक तो इतना ज़्यादा दिमाग मत लगाओ जितना दिमाग आप मुझसे लगवा रहे हो, तो पंगा में फंस जाओगे। जितना ज़्यादा डिस्कशन करोगे उतना पंगा में फंसोगे।
किसी भी इनकम को दो पार्ट में बांटो, इंडियन इनकम या फॉरेन इनकम। अगर इंडियन इनकम है तो उस पर तो इरेस्पेक्टिव ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस सबको टैक्स देना पड़ेगा। फॉरेन इनकम है, फॉरेन इनकम है तो कौन टैक्स देगा? और फॉरेन इनकम अगर इंडिया में रिसीव हुआ है तो सबको टैक्स देना पड़ेगा। और फॉरेन इनकम अगर रिसीव और ड्यू दोनों इंडिया से बाहर हुआ है तो आरओआर इंडिया में टैक्स देगा। एनओआर तभी टैक्स देगा जब उस बिजनेस का कनेक्शन कहाँ से है? इंडिया से। कंट्रोल कहाँ से? इंडिया से। मैं इस तरीके से भी समझाता हूँ आपको। मैं बार बार कहा कि आप जितना ज़्यादा समझने की कोशिश करोगे उतना आप फंसोगे। ज़्यादा हौच-पौच मत करो। इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप कुछ क्वेश्चंस कर लो इसके। देखिए मैं इसे समझाता हूँ आपको, हालांकि ये मैंने आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ समझा रहा हूँ, जो समझा चुका हूँ वही अनफ है। कोई भी इनकम होगा उसको क्या देख लो आप, इंडियन इनकम या क्या हो सकता है फॉरेन इनकम। अगर वो इंडियन इनकम है तो सबको टैक्स देना पड़ेगा। इंडियन इनकम मतलब क्या हुआ? ड्यू इन इंडिया, अक्रूराइज इन इंडिया, तो सबको देना पड़ेगा, चाहे वो आर ओ आर ओ या एन ओ आर ओ या फिर क्या हो, एन आर ओ। फॉरेन इनकम है, फॉरेन इनकम की बात खास बात क्या होती है? ड्यू आउटसाइड इंडिया। ड्यू कहाँ हुआ हो? इंडिया से बाहर। लेकिन रिसीव्ड इन इंडिया, नॉट रिसीव्ड इंडिया, नॉट रिसीव इंडिया। अगर रिसीव इंडिया हुआ तो फिर तो सबको टैक्स देना पड़ेगा। आर ओ आर, एन ओ आर, एन आर। और नॉट रिसीव इंडिया में देन तो भी आर ओ आर तो टैक्स देगा ही ना। नॉट रिसीव इन इंडिया तो भी कौन टैक्स देगा? आर ओ आर तो फिर भी टैक्स देगा। इस तरीके से समझ में आई बात आपको? हाँ, वो लिखा हुआ उसमें, पहली क्लास में ही होगा या सेकंड क्लास में होगा? मिस हुआ हुआ, तभी प्रॉब्लम हो रही है आपको। सेकंड क्लास पढ़ेंगे तो आपको कंपनी का रेजिडेंशियल स्टेटस पता चल जाएगा। ठीक है बच्चे, बहुत ही फास्टली मैं एक क्वेश्चन आपसे डिस्कस करता हूँ और रिमेनिंग क्वेश्चन आपको होमवर्क देता हूँ, आप मुझसे पूछ सकते हैं अगर प्रॉब्लम होगी तो, क्योंकि इस चैप्टर को हम अगली क्लास में कैरी ऑन नहीं कर सकते। अब देखिए 2.3 है, सैलरी इनकम रिसीव्ड इन इंडिया फॉर द सर्विस रेंडर्ड इन हांगकांग। आगे देखने की जरूरत नहीं है, रिसीव कहाँ पे हुआ है? इंडिया में। जबकि अगर मैं देखा जाती है कौन सी इनकम है? फॉरेन इनकम है, ठीक है ना, सबको टैक्स देना होगा। इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन इंडिया सबको देना पड़ेगा, बट रिसीव्ड इन जर्मनी कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रॉपर्टी इन युगांडा, युगांडा कहाँ है? अफ्रीकन नेशन है। आउट ऑफ विच 2,40,000 वर रेमिटेड टू इंडिया, रेमिटेंस के बेसिस पे टैक्स तो होता नहीं है। प्रॉपर्टी इनकम इन युगांडा, आपका इनकम कहाँ पे अक्रू हुआ है? युगांडा में। रिसीव भी कहाँ हुआ? युगांडा में। रेमिटेंस से कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो अल्टीमेटली इस पर टैक्स कौन देगा? ओनली आर ओ आर, सिर्फ आर ओ आर देगा। प्रॉफिट अर्न फ्रॉम बिजनेस इन बैंगलोर, नहीं समझ में आया तो मुझे भी नहीं आता है, छोड़ दो। ये उसको समय में नहीं आया होगा जिसको ये पता नहीं होगा कि बैंगलोर कहाँ पे है। बैंगलोर कहाँ है? इंडिया में। सबको टैक्स देना होगा। एग्रीकल्चर इनकम इन कीनिया, ओनली आर ओ आर। कीनिया अफ्रीकन नेशन है ना। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस कैरीड ऑन एट नेपाल बट कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, कौन देगा? आर ओ आर देगा, एन ओ आर देगा, एन आर नहीं देगा, क्योंकि बिजनेस कहाँ से कंट्रोल हो रहा है? इंडिया से कंट्रोल हो रहा है। बात समझ गए? दो कितना अच्छा सवाल था ये। मैंने कहा ज़्यादा दिमाग लगाओ तो समझ में नहीं आएगा, कम दिमाग लगाओगे तुरंत समझ में आता है। देखो एक और सवाल देख लो। इंटरेस्ट फ्रॉम इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन लंदन,
भाई मैंने कुछ देर पहले क्या कहा था कि आप अगर इंडियन कंपनी से कमाते हो तो सबको टैक्स देना पड़ेगा। पेंशन फ्रॉम फॉरेन एम्प्लॉयर इन इंडिया रिसीव्ड इन यूएसए, पेंशन फ्रॉम फॉर्मर एम्प्लॉयर, सॉरी, आपका जो एम्प्लॉयर है वो इंडियन है, मतलब आप नौकरी कहाँ कर रहे थे, इंडिया में कर रहे थे, पेंशन कहाँ से मिल रहा है आपको, इंडिया से मिल रहा है आपको, कहाँ रिसीव कर रहे हैं फर्क नहीं पड़ता, टैक्स देना पड़ेगा। प्रॉफिट अर्न फ्रॉम बिजनेस इन पेरिस, बिजनेस कहाँ पे, पेरिस में अर्न वहीं किया, विच इज़ कंट्रोल इन इंडिया, कंट्रोल कहाँ से हो रहा है, इंडिया से। हाफ ऑफ द प्रॉफिट इज बींग रिसीव्ड इंडिया, तो हाफ पे तो तीनों को टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि जब इनकम रिसीव इन इंडिया होता है तो इरेस्पेक्टिव ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस सबको टैक्स देना होता है, और हाफ पे कौन टैक्स देगा, ROR और NOR, क्योंकि कंट्रोल कहाँ से हो रहा है, इंडिया से। 50% तीनों टैक्स देगा रिसीव की वजह से, 50% दो टैक्स देगा कंट्रोल की वजह से। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन भूटान एंड रेमिटेड टू इंडिया, रेमिटेंस को नहीं देखते हम, भूटान में हमारा ज़मीन है, वहीं पे हमने रिसीव किया, वहीं पे हमने ड्यू किया, ROR को तो फिर भी टैक्स देना पड़ेगा। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन इंग्लैंड रिसीव देयर, कौन टैक्स देगा, ओनली ROR। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए, दो तीन मार्क्स के क्वेश्चन इस तरह के कहीं कहीं आपसे पूछे जा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलेंगे, गॉड ब्लेस यू ऑल। इस तरह से क्या हो गया आपका, रेसिडेंशियल स्टेटस चैप्टर आपकी 4 क्लासेस में कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है ना, टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू।